नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पे, और मैं हूं आशुकेश तिवारी। आज बॉलीवुड की एक ऐसे शख्सियत का जन्मदिन है जो आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो ना हो कि भी कहीं ना कहीं हमारे बीच है। हम बात कर रहे हैं राज कपूर साहब की। जी हाँ, बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब का आज जन्मदिन है। आपको बता दें कि उनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था और वो बॉलीवुड के ऑलराउंडर्स में से एक है जिन्हें शोमैन की उपाधि दी गई है। राज कपूर साहब को हम क्या हमारे कई जनरेशन उन्हें याद करते हैं, उन्हें याद करते रहेंगे उनके अभिनय के लिए, उनके निर्देशन के लिए, उनके डायरेक्शन के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए। राज कपूर साहब बॉलीवुड की एक सबसे बड़ी हस्ती है। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर आज हम आपको उनसे जुड़ी कई किस्से और कई कहानियाँ सुनाएंगे। आज हम आपको उनसे जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसकी वजह से उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली थी। तो आइए आपको बताते हैं कि कब और कैसे उनकी पहले फिल्म मिली थी। आपको बता दें कि राज कपूर साहब ने 17 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म थी नीलकमल, और वो जब 17 साल की उम्र में कंपनी में या फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे तो वो एज अ एक्टर काम नहीं करते थे, वो एज अ स्पॉट बॉय काम करते थे। 17 साल की उम्र में वो रंजीत मूवी कॉम और बॉम्बे टॉकीज, जो कि प्रोडक्शन कंपनी थी बॉम्बे टॉकीज फिल्म के लिए, एज अ स्पॉट बॉय काम किया करते थे। और इन जो दो प्रोडक्शन हाउसेस के लिए वो एज अ स्पॉट बॉय काम किया करते थे, इन्हीं में से एक ने उन्हें उनकी पहली फिल्म दी। क्या है वो किस्सा, आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि उनकी पहली फिल्म उनको थप्पड़ लगने के बाद मिली थी। जी हाँ, वो इन्हीं में से दो किसी एक प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर रहे थे और उस फिल्म के और उस प्रोडक्शन हाउस में जो फिल्म बन रही थी उसके डायरेक्टर थे बॉलीवुड के उस वक्त के सबसे मशहूर डायरेक्टर केदार शर्मा। केदार शर्मा की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और राज कपूर साहब उस फिल्म में एज अ क्लैपर बॉय काम कर रहे थे। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग चल रही थी और क्लैपर बॉय जो कि राजकुमार काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ इतना ज़्यादा क्लैप किया कि उनके हाथों में उलझ के जो एक्टर था उसकी दाढ़ी निकल गई, जिसके बाद से केदार शर्मा इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने राज कपूर साहब को जोरदार थप्पड़ जड़ डाला। उन्हें वहां पे वो थप्पड़ तो मिला था, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में केदार शर्मा ने ही उन्हें लॉन्च किया, उसी प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें लॉन्च किया और उनकी सबसे पहली फिल्म थी नीलकमल। राज कपूर साहब को उनकी उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। बताया जाता है कि 1971 में उन्हें पद्मभूषण से नवाजा गया था। इसके बाद 1987 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, उससे भी उन्हें नवाजा गया था। राज कपूर साहब की और भी कई सारी कहानियाँ हैं उनसे जुड़ी हुई, उनसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई, उनके बेटे से जुड़ी हुई या फिर उनके एक्ट्रेसेस से जुड़ी हुई। बताया जाता है कि वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहा करते थे, वो परफेक्शनिस्ट थे बॉलीवुड के। आज उनसे जुड़ी हम आपको कई सारी कहानियां बताएंगे, लेकिन आज ये जो कहानी थी वो उनकी करियर की शुरुआत से जुड़ी हुई थी कि उनका करियर कैसे शुरू हुआ, एक थप्पड़ ने कैसे उनका करियर शुरू किया। अगर आपको उनसे जुड़ी और भी कहानियां सुननी हैं तो आप हमसे ऐसे ही अभी बने रहें और हम आपको आज दिन भर उनसे जुड़ी कई सारी कहानियां, कई सारे किस्से सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और हम अपने अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आपसे।